हम क्या चाहते साफ, हम क्या चाहते साफ, साफ के आगे झुकना पड़ेगा, साफ के आगे झुकना पड़ेगा, साफ के आगे झुकना पड़ेगा, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक, ए नवनीत कौर उनसे, ए नवनीत कौर उनसे शनव से लागू करो, लागू करो, ए नवनीत कौर उनसे शनव से लागू करो, लागू करो, आज एंड के का रेडियो प्लीज पर्सन फोरम जिंदाबाद, जिंदाबाद, आज एंड के का रेडियो प्लीज पर्सन फोरम जिंदाबाद, जिंदाबाद, आज एंड के का रेडियो प्लीज पर्सन फोरम जिंदाबाद, जिंदाबाद, साफ के आगे झुकना पड़ेगा, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सर बताइए आज का प्रोटेस्ट करने का क्या मुद्दा है? आज का प्रोटेस्ट हमारा जो पे अनमली का मसला है 1196 से चला रहा है, उस संदर्भ में ये हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है पिछले काफ़ी लंबे समय से। आज तक किसी भी हुकूमत ने हमारी बात सुनने की कोशिश नहीं की और ना ही गुवारा की। अभी रिसेंटली हम राणा जी साहब के पास गए तो उन्होंने आश्वासन दिलाया कि आपके मसले को मैं गवर्नर साहब के सामने उठाऊँगा और उसके बाद गोयल साहब के से भी उठाऊँगा तो आपका मसला हल कराऊंगा। तो हमें उम्मीद लगी है कि ये फर्स्ट टाइम है हमारे ऐसे लीडर हैं जिन्होंने हमें आश्वासन दिया है, तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि शायद आज तक किसी भी लीडर ने, बड़े बड़े लीडर आए और गए लेकिन किसी ने इस तरह का आश्वासन और यकीन दहानी नहीं दी जिस तरह राणा साहब ने। हम ये चाहते हैं आपके माध्यम से कि हमारे इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए ताकि हमारे जो साथी आधे इस दुनिया से चल बसे, कोई बीमार बेडों पर पड़े हैं तो उनको भी जो है कम असम कुछ रात की सांस पे ले, तो लिहाजा हमें जब तक सांस है हमारे शरीर में तब तक हम इसके साथ इस जदोजहद को जारी रखेंगे। उर्दू के एक शायर का फरमान है, फलक की आदत है बिजलियां गिराने की, हम भी जिद रखते हैं वहाँ आशियां बढ़ाने की। तो लिहाजा हम इस मसले को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक ये हमारा मसला हल नहीं होगा पी एल अमली का, तब तक हम ये जदोजहद जारी रखेंगे। और हुकूमतों को भी ये इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा कि सिंध मुल्क की सालमियत एकता और अखंडता के लिए हमने जानू तक निशावर की है, वो इतनी सख्त ड्यूटी देने के बाद भी आज ये हशर है कि हम सड़कों पर आके प्रोटेस्ट और धरना करते हैं। बड़े दुख से ये बात कहनी पड़ती है।